क्या यूएई की पिचेस मदद करेंगी आरसीबी के मेन खिलाड़ियों को? किस टीम का है सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक इस आईपीएल में, आईपीएल 2020 में, और कौन जीतेगा ऑरेंज कैप? इट्स टाइम फॉर आपके सवाल मेरे जवाब। हैशटैग आस्क आकाश में आपका स्वागत है। और सवाल आपने बड़े मजेदार पूछे, हालांकि एक जनाब है उनका नाम है अमित बुहा। तब से फॉलो कर रहे हैं, इनका कहना है कि जब हमारे चैनल पे सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर थे, अब हम 1.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर वाला है, हमारी फैमिली है। तो फिर थैंक यू सो मच, आपका प्यार मेरी सार आंखों पर। थैंक यू सो मच अमित, आपका सवाल सबसे पहले ले रहा हूँ मैं कि जो यूए की जो पिचेस हैं, क्या ये आरसीबी के मेन प्लेयर्स को मदद करेंगे? आपने सिर्फ कोहली और चहल की बात की है। देखिए, कोहली इज द मैन फॉर ऑल रीजंस, मैन फॉर ऑल सीजंस, उनको क्या फर्क पड़ता है? आप चांद पे करा लो मैच, आप मार्स पे करा लो मैच, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक बात अच्छी है कि कोहली के पास वो जो भागने की क्षमता है, जो उनकी सुप्रीम फिटनेस है ना, इट विल कम इन सो हैंडी, क्योंकि कई ऐसे ज़बरदस्त खिलाड़ी होंगे जिनकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं होगी और वो यहाँ स्ट्रगल कर सकते हैं। जो सिर्फ चौके छक्कों पे चलते हैं ना, उनको यहाँ भागना पड़ सकता है इन पिचेस के ऊपर, तो उनको शायद दिक्कत हो, कोहली को तो कोई नहीं होगी। कोहली मार रहा है, मतलब मज़ा आने वाला है। उनके अगर आप स्पिनर्स की बात करें, जब मैं स्पिनर्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है अरे बॉस, जो इनकी कमज़ोरी थी, इनकी कमज़ोर कड़ी थी, अब वो एक्चुअली इतनी कमज़ोर तो छोड़ो, अच्छी खासी ठीक ठाक है। क्योंकि यूजी चहल, वाशिंगटन सुंदर, पवन नेगी, मोइन अली, इन चार में से तीन तो आप ऑलमोस्ट हर गेम में खिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पवन नेगी का 50-50 रहेगा, मोइन तो लोअर ऑर्डर बैटिंग भी कर लेते हैं, वो ऑफ स्पिनर आपको चार ओवर भी दे देंगे। तीनों अलग अलग स्पिनर, एक लेग स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मोइन अली जरूर एक और ऑफ स्पिनर रहेंगे। तो बॉलिंग इनकी मेरे विचार में बिल्कुल ठीक ठाक है भैया। नवदीप सैनी, सिराज, उमेश, आई थिंक दिस टीम विल डू वेल। क्रिस मॉरिस, मुझे लगता है कि ये सीजन अगर आरसीबी अच्छा नहीं करता, खुदा ना खास्ता अगर अच्छा नहीं करता ना, तो अगला सीजन कब अच्छा आएगा, आई एम नॉट 100% लाइक कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि ये सीजन शुड बी आरसीबी सीजन। द सेकंड क्वेश्चन जो मैं अभी ले रहा हूँ वो है हर्षल का। हर्षल कह रहे हैं कि कौन जीत सकता है, कंटेंडर्स कौन कौन रहेंगे आईपीएल में, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप के? एक इंडियन खिलाड़ी, ये जो ग्लेन मैक्सवेल्स एंड द गेल्स एंड द रसल्स ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लगता है कि ओवर अ लीग ऑफ 14-16 गेम्स कोई इंडियन ही होगा जो इन परिस्थितियों को अच्छे से समझ पाएगा, पढ़ पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैचेस ज़्यादा होंगे, वैसे वैसे पिच जो है वो थोड़ी सी और थक जाएंगी, स्लोप गेंद आएगा, टर्न ज़्यादा होगी, ऐसे में आपको इंडियन प्लेयर चाहिए। सो कोहली, रोहित, केएल राहुल, मे बी श्रेयस अय्यर एज़ वेल। तो ये मेरी एक्चुअली चार पिक्स हैं, हमने कंटेंडर्स पूछे इसलिए मैंने चार पिक किए हैं। आई थिंक वन ऑफ दीज फोर, डेविड वॉर्नर एटसेट्रा विल ऑफकोर्स, मुझे सोच रहे होंगे कि अरे भाई साहब हम भी हैं भाई, खिलाड़ी तो ऐसी टीम है, मतलब ये टूर्नामेंट ऐसा है इसमें बहुत सारे हैं। सुरेश रैना का नाम भी भूल गया, अरे भाई बहुत सारे नाम हैं। बट दीज फोर गाइज आई एम स्टिकिंग विद, राहुल, अय्यर, कोहली एंड रोहित, दीज आर माई फोर पिक्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट रूटर, माई फेवरेट ऐप, मैं उस ऐप पर हूँ और मेरे साथी भी हैं जो रूटर टॉकीज में ना बिहाइंड द सीन स्टोरीज बताते हैं। फटाफट से, मुझे लगता है ऐप भी डाउनलोड कर ही रहे होंगे, कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, हमने पिंड कमेंट में भी लगा दिया, तो आपको कोई तकलीफ ना हो। अब मैं फटाफट से आगे चलता हूँ। सवाल है हैंड हंटर जी का, और इन्होंने पूछा है कि कौन सा बोलिंग अटैक इस ईयर का सबसे अच्छा रहने वाला है? क्वाइट अ फ्यू, चेन्नई सुपर किंग्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बॉलिंग अटैक यार। पहले इनका स्पिन डोमिनेटेड बॉलिंग अटैक था जिसके अंदर ताहिर, भज्जी, सैंटनर, जाडेजा, करण शर्मा, पीयूष चावला भी अब तो आ गए हैं, आई मीन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अटैक है। ये सिर्फ स्पिन डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, अभी हेजलवुड भी हैं, दीपक चाहर भी हैं, ड्वेन ब्रावो भी हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं। दिस एक्चुअली इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग यूनिट्स कंसिडरिंग कि यूएई में ये आईपीएल होने वाली है। दूसरा कौन सी टीम की तरफ मैं देखता हूँ जिसका बोलिंग अटैक, मुझे किंग्स इलेवन का बोलिंग स्पिन अटैक बहुत अच्छा लगता है, मुझे दिल्ली कैपिटल्स का बड़ा ऑलराउंडेड अटैक लगता है, जहाँ पर आपके पास अक्षर हैं, आपके पास मिशी है, आपके पास अश्विन है, तीन क्वालिटी स्पिनर्स हैं, फिर आपके पास ईशांत है, रबाडा है, और बॉलिंग भी आपकी जो है वो ठीक ठाक हो जाती है, तो फास्ट बॉलिंग भी। तो क्वाइट अ फ्यू टीम्स एक्चुअली, सनराइज हैदराबाद वोंट बी टू फार बिहाइंड, मुंबई इंडियंस हमेशा वहीं पर रहते हैं, पर चेन्नई सुपर किंग्स, अगर आप मुझसे कहें आउटराइटली एक टीम पिक करनी है, आई एम गोइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स फॉर देयर बोलिंग अटैक। अमूमन आप उनको बैटिंग के लिए जानते हैं, पर इस बार उनकी बोलिंग बिल्कुल लाजवाब है। नेक्स्ट सवाल है अनमोल जोशी जी का, अनमोल इनका सवाल, आईपीएल विदाउट स्पेक्टेटर्स विल इट अफेक्ट द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर्स? आई हैव बीन टॉकिंग टू अ फ्यू जिन्होंने आईपीएल अभी खेलने जाना भी है, उन सबका ये मानना है शुरू में लगेगा यार कि शॉट मारा ताली नहीं बजी, आपने बल्ला उठाया, मतलब वो जो
क्राउड का एक जोश होता है, एक वो ना आपका एड्रेनलिन जो रश आता है वो नहीं आएगा, लेकिन हर किसी की बात में बात समझ में आ जाएगी और जल्दी आ जाएगी कि इतने करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम, ऐसा नहीं होगा दोबारा कि अगर आप बिल्कुल खाली स्टेडियम पे देख रहे हैं, इतना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। एवरीबडी विल इवेंचुअली गेट यूज टू इट कि खाली स्टेडियम की भी आदत पड़ जाएगी, पर शुरुआती हफ्ता जो है मुझे लगता है कि प्लेयर्स मिस करेंगे यार, अगर स्पेक्टेटर्स ना हो ना मैदान पर। हालांकि इट विल बी, आई थिंक आई एम 100% सर्टन विल बी द मोस्ट वॉच्ड एडिशन ऑफ द IPL इन 12-13 सीजन्स। तो घर पे तो लोग देखेंगे, मैदान में नहीं होंगे तो मिस तो हम सब करेंगे उनको यार, बट काम चल जाएगा, इज व्हाट आई फील। अभिषेक बलजी का ये सवाल है, महेंद्र सिंह धोनी की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्रूशल होनी चाहिए इनकी 2021 में T20 वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी, उनके बिना भी काम तो चल जाएगा लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि 2021 की हम बात कर रहे हैं। देखिए इंडिया में है तो आप चाहते ज़रूर हैं कि धोनी टीम में रहें, आप चाहते हैं कि धोनी खेले, पर क्या पहली बार धोनी खेलना चाहते हैं? मतलब टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह मैं ये हर बार बात बोलता हूँ, मुझे लगता है शायद वो नहीं खेलना चाहते, पर अगर वो अवेलेबल भी हो जाते हैं, पर 2021 यार, एक साल बाद, डेढ़ साल बाद जब वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, तो उनके बिना काम चलाने की आदत डालनी पड़ेगी और डल जाएगी तब। सो आई थिंक यस इट इज़ पॉसिबल, इज प्रेजेंस इज नॉट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अगर वो नहीं होंगे तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीतोगे, लेट्स पुट इट दैट वे एंड लेट्स पुट दिस असाइड। विपुल कुमार जी का एक सवाल है कि श्रेयस अय्यर को टेस्ट क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही, इनफैक्ट श्रेयस अय्यर आने वाले हैं अपने चैनल पर, बाय द वे बात कर चुका हूँ उनसे, उनसे मैंने सवाल पूछा था, कहते देखो टाइम का मैं इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि 50 ओवर का उनका औसत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट इज़ वेरी डियर टू हिम एंड हिज टाइम विल कम, अभी जगह नहीं है, जगह नहीं है तो कैसे खिलाएं यार, अभी तो हनुमा विहारी 100 बना के बाहर बैठे हैं, मौका ही नहीं मिलता खेलने का, तो शुभमन गिल भी टीम में है, खेलने का मौका नहीं मिलता, तो जब ऐसा सबके साथ हो रहा हो तो फिर अपने समय का आपको करना पड़ता है इंतजार, सो बी इट, कांट हेल्प इट। लास्ट में एक सवाल लेने वाला हूँ, व्हाट हैपन्स टू द 2021 IPL ऑक्शंस ना, और दिसंबर में देख लेंगे यार, आई थिंक ऑक्शन तो होंगे, तो वो तो होने ही है, तो वो दिसंबर जनवरी में जब भी वो ऑक्शन का एक आने वाला है समय, जिसमें आप ट्रेड की विंडो खुलेगी, फिर ऑक्शन का समय आएगा, फिर ऑक्शन होगी, थोड़े से खिलाड़ियों का मतलब आदान प्रदान होगा, कुछ नए खिलाड़ी खरीदे बेचे जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, आई एम वेरी हैप्पी, सो आई विल बी लुकिंग आउट फॉर दैट एज वेल। पर अभी के लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी, यू नो द ड्रिल गाइस, हाँ फटाफट से करो जरा अपने मोबाइल पर, और रूटर ऐप आपको डाउनलोड करनी है, जिसके अंदर ये बड़ी अच्छी है रूटर टॉकीज़ पे ना, बिहाइंड द सीन स्टोरीज बड़ी अच्छी अच्छी अच्छी, तेजो गुजारा वाली स्टोरी मुझे बड़ी पसंद है, वो कुकर वाली, मनोज तिवारी की भी स्टोरी अच्छी है, बद्री ने बड़ी अच्छी स्टोरी, मॉन्टी की स्टोरी यार, मॉन्टी माने सर अपने, उन्होंने भी अच्छी एक्चुअली स्टोरी, एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर माई फेवरेट्स यार। सो यू डाउनलोड द ऐप, वॉच रूटर टॉकीज़, यू कैन ऑल्सो प्ले एंड यू कैन लाइक स्ट्रीम योर गेम्स, लाइक दिस इज रूटर इज एन इंडियन ऐप, इंडियन स्पोर्ट्स एंड गेमिंग एंड स्पोर्ट्स कम्युनिटी ऐप, तो फिर अपनी कम्युनिटी बनाइए, फ्री फायर के डायमंड जीतिए, पबजी खेलिए, उस पर कॉमेंट्री कीजिए, और डेली प्राइजेस वर्थ 1 lakh rupees कैन बी वन, तो किस चीज़ का कर रहे हो इंतजार, फटाफट से डाउनलोड करो, गूगल प्ले पर आपको मिल जाएगी, और वैसे लिंक तो डिस्क्रिप्शन में भी है और वो पिन कॉमेंट में भी है। यार मैं किसके रूम में चला गया हूँ, और पूरा रूम यार आग से धुआं धुआं हो गया था, बट दैट मोमेंट MS धोनी बीइंग हिज यूजुअल सेल्फ डिडंट एक्सप्रेस मच। अरे सरदार जी, इंडिया में हम ऐसे क्रिकेट खेलते, तो सबको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये सिर्फ बॉल को सामने पहुंचाता है बट फिर भी ये मैचेस जीतता है।